नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नेपाल से भगाकर ले जा रहे एक नाबालिग लड़की समेत दो आरोपी युवक को एसएसबी ने पकड़ा। मधुबनी जिला के हरलाखी भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल हरिणी कैंप के जवानों ने एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दो युवक को गिरफ्तार कर हरलाखी थाना पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार युवक की पहचान नेपाल मोहतरी जिला के अंतर्गत सहोरवा गांव निवासी 20 वर्षीय मोहम्मद शमसुल कवारी व 25 वर्षीय राघवेंद्र शर्मा के रूप में की गई है। वहीं नाबालिग लड़की भी नेपाल धनुषा जिला के अंतर्गत एक गांव की बताई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दूसरे समुदाय के लिए लड़की नेपाल में टिकटॉक बनाती थी। वहीं युवक शमसुल टिकटॉक बनाने के बहाने नाबालिग लड़की को झांसा देकर बुला लिया, फिर अपने ग्रामीण राघवेंद्र शर्मा के बाइक से रात्रि 10 बजे भारतीय सीमा में प्रवेश किया, जहां हरिणी बॉर्डर पर तैनात मुख्य आरक्षी पृथ्वी सिंह ने संदेह के आधार पर तीनों को हिरासत में लेकर कैंप में लेकर आ गया, जहां गहन पूछताछ के बाद लड़की ने शादी की नियत से बेला फुसलाकर ले जाने की बात बताई। फिर एसएसबी ने नाबालिग लड़की को गंगौर कैंप में महिला आरक्षी चांदनी देवी व सबना प्रवीण की अभिरक्षा में रात भर रखा। फिर सुबह हरिणी कैंप लाया गया, जहाँ सूचना मिलने के बाद जयनगर से सामुदायिक कार्यकर्ता ग्राम विकास युवा ट्रस्ट मधुबनी की सदस्य सविता देवी हरिणी कैंप पहुंची और नाबालिग लड़की से गहन पूछताछ की। इस बाबत हरिणी कैंप इंचार्ज इंस्पेक्टर बीएस मीना ने बताया कि नाबालिग लड़की समेत दोनों युवक को जब्त बाइक समेत अग्रिम कार्रवाई हेतु हरलाखी थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस बाबत प्रभारी थाना अध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद ने बताया कि वरीय पदाधिकारी से मार्गदर्शन मिलने के बाद हिरासत में लिए गए नाबालिग लड़की समेत दोनों युवकों को उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए लाइव 24 न्यूज बिहार के साथ।